हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए मुझे पूछ लीजिए। माय बहुत 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 अच्छा पूछने के लिए थैंक्स। आज का हमारा टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू राइट अ बर्थडे और अ डेट इन यूके स्टाइल। ओके, तो आप लोग को बता देते हैं, इंडियन स्टाइल आ रही होगी, अमेरिकन स्टाइल आ रही होगी, लेकिन आई होप कि ब्रिटिश नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे किसी भी दिनांक को या जन्मदिन को कैसे ब्रिटिश स्टाइल में लिखे। तो देखा जाए, सबसे पहले बता देते हैं, मेरा जन्म 3 अक्टूबर का हुआ था। बहुत सिंपल है इंडिया में कि सर बोलिएगा ऐसे, 3 तारीख 10वां महीना 1998 का जन्म दिया, इसी तरह हम लोग एक्चुअली बोलते हैं इंडियन स्टाइल। लेकिन अमेरिका में देखिए थोड़ा सा नहीं चेंज है कि पहले उसमें मंथ का लिखा जाता है। तो देखिए अक्टूबर 3rd और उसके बाद कॉमा ले लेती है 1919। ये मेरा क्या हुआ, अमेरिकन हो गया, ठीक है ना। अब देखा जाए, मेन मुद्दा पर आते हैं, ये थोड़ा सा नहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है फ्रेंड। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑन लेती है, ठीक है ना, ऑन। और उसके बाद जो भी दिन होगा वो उसके लिए खास होगा, तो मेरा दिन मेरे लिए खास है, ठीक है ना। तो उसमें द ले लेती है अपनी बोले, तो ऑन द। उसके बाद होती है नेम ऑफ डेट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप देखिए, ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना। मंथ के पहले ऑफ, अब वो भी मंथ क्या होगा, खास ही होगा, मंथ भी खास। ऑफ द, उसके बाद नेम ऑफ क्या, मंद, इसका सही से आन होती है मंद। और देखिए यहाँ जो हम प्लस लिखेंगे ना, यहाँ प्लस यहाँ दे देते हैं, अब प्लस यहाँ कॉमा ले लेती है, सबसे ईयर के पहले कॉमा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ नेम और अपने साथ ही नो प्रीपोजिशन ऑफ ईयर। एग्जांपल देखा जाए, हाल ही में महात्मा गांधी जयंती था, उनका लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले ऑन आएगी प्लीज, ऑन द, उनका 2 तारीख का जन्म हुआ था। तो सेकेंड लिखे नाम को, देखिए किस तरह से सेकेंड लिखे, 2ND सेकेंड हो गया, 2 लिखे ND। अगर आपको फर्स्ट लिखना है तो 1 लिखे माथा पर स्टील लिख दीजिए, यानी ऊपर लिख दीजिए 1 के। अगर आपको 3rd लिखना है तो 3 लिखे RD लिख दीजिए, उसके बाद 5th 6th 7th 4th, कोई भी दिक्कत नहीं उसमें, सब में माथा पर TH 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 TH, हिंदी में भी बहुत अच्छा देती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से हिंदी में देती है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑन द सेकंड, उसके बाद ऑफ आगे प्रीपोजिशन ऑफ द अक्टूबर, इसका सही से आंसर अक्टूबर भी आती है, अक्टूबर। उसके बाद कॉमा ले लेगी, उसके बाद क्या, महात्मा गांधी का सबसे मुख्य बात याद रखिए, उनका सबको तो माँ जरूर याद रहती है और डेट, लेकिन ईयर नहीं याद। 1869 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। डेट सौ, देखिए मेरा देखा जाए थोड़ा सा चेंजिंग है फ्रेंड्स, ऑन द, देखिए कॉपी पेस्ट, 3rd ऑफ द अक्टूबर, ठीक, OCTOBR अक्टूबर, बस यहाँ कॉमा, ठीक है ना, बस 1998, थोड़ा सा कॉपी किए हैं उनके। देखा जाए एक और एग्जांपल, बहुत आसान है, अपना अपना जन्मदिन फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। एक द स्पीड क्लासेस का जन्मदिन लिया जाए, ठीक है। तो ऑन द 15 जून को हुआ था, ठीक है ना। तो 15th कैसे लिखेंगे, TH माता पर, ऑफ द क्या, जून 20 कॉमा ले लेगी पहले, ठीक है, 20 फुल स्टॉप, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो वीडियो को क्या पसंद है वीडियो में कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर पहले से सब्सक्राइब किए होंगे तो उसको सब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजा ही दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये बहुत जरूरी है दोस्तों में, बहुत जरूरी है, ओके। और माता पर अगर वीडियो सजेस्ट कर रही है तो उसको वॉच कीजिए, दैट्स ऑल।